हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों यह न्यू प्रैक्टिस का और वीडियो है जैसे कि दोस्तों डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ फ्री में और एमपी वर्क टू थ्री का भी तो पता नहीं चल रहा है बट यू पी टी जी टी पी जी टी यू पी ग्रेड बी पी एस सी टी आर ई फोर अन्य सभी एग्जाम्स ज़रूर होंगे और अन्य स्टेट के फिज़िकल एजुकेशन कंपटिशन एग्ज़ाम सभी का सिलेबस सेम होता है तो आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए कुछ ना कुछ टाइम निकाल के जिससे वैकेंसी जब भी आए आप निराश ना हों तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ सबसे पहले बात कि पिछले वीडियो में टेबल टेनिस के जो ग्राउंड टेबल की लंबाई था टू पॉइंट सेवन फोर मीटर होता है और उसमें मैंने गलती से टाइपिंग कर दिया था सेवन पॉइंट सेवन फोर मीटर तो याद रखिएगा जो टेबल टेनिस की टेबल की जो लंबाई होती है टू पॉइंट सेवन फोर मीटर और चौड़ाई दो तो दशमलव दो मीटर तो लंबाई वहां पे गलत लिखा गया था टू पॉइंट सेवन फोर मीटर होता है तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर वन है कि शरीर में मुख्यतः वसा जमा होता है तो दोस्तों जो वसा यानी फैट होता है वेर इज फैट स्टोर्ड इन द बॉडी मेनली तो दोस्तों फैट जो है वह फैटी एसिड फ्री फैटी फैटी एसिड के रूप में एडिपोज टिशू के नीचे जमा होता है यह हमारी बॉडी प्रोटेक्शन और बॉडी को लुप्रिकेट्स प्रदान करता है जोड़ों को लुप्रिकेट्स प्रदान करता है इसलिए वसा हमारे जो अनसेचूरेटेड फ़ैट है हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है एंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में लिवर में मांसपेशियों में जमा होता है और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड के रूप में शरीर में जमा रहता है क्वेश्चन नंबर टू है हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितनी बार रक्त को फिल्टर करती है हाउ मेनी टाइम्स डज द किडनी इन आवर बॉडी फिल्टर ब्लड एवरी आवर तो दोस्तों एक घंटे में दो बार किडनी जो है रक्त को फिल्टर करती है ठीक है यूरिन निर्माण का काम और रक्त को फिल्टर करने का काम किडनी करती है क्वेश्चन नंबर थ्री है कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार कैसा होता है द डाइट ऑफ अ पर्सन डूइंग हार्ड फिजिकल लेबोर एज तो दोस्तों कठिन शारीरिक परिश्रम करने वालों को ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता होती है और तुरंत जैसे कि आप जानते हैं जो वसा है एक ग्राम में नाइन पॉइंट वन कैलोरी ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है एक ग्राम में फोर पॉइंट वन कैलोरी ऊर्जा देता है बट वसा को पचने में छः घंटा समय लगता है जबकि कार्बोहाइड्रेट को तीन से चार घंटे लगता है तुरंत एस एनर्जी देता है इंस्टेंट एनर्जी अब सोर्स होता है इसलिए जो है कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले को ज्यादा एनर्जी आवश्यकता होती है तुरंत एनर्जी कौन देता है तो क्विक एनर्जी सोर्स है हमारा कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो बॉडी बिल्डिंग वाले हैं स्ट्रेंथ वाले हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले हैं उन लोगों को प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर है मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इंडोर एक्टिविटीज आउटडोर एक्टिविटीज मूवी चलचित्र ये सभी में मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है है क्वेश्चन नंबर स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है तो दोस्तों हेल्थ इज प्राइमरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य आपका तो आपका ही तो जिम्मेदारी होगा कोई और का तो जिम्मेदारी होगा नहीं व्यक्ति बीसीएस की जिम्मेदारी है वही अपने बारे में समझ सकता है कि मुझे क्या चाहिए क्या कमी है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स है हॉकी खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है तो आप सबको तो पता है सौ गुणी साठ गज होता है ठीक है सौ गज लंबाई यानी कि न इक्यानवे दशमलव चार जीरो मीटर और चौड़ाई साठ गज यानी कि पचपन मीटर होता है और इसकी शूटिंग सर्कल सोलह गज की होती है यानी चौदह दशमलव छः मीटर और पेनाल्टी स्पॉट जो है सेंटर लाइन से सात गज की दूरी पर होता है यानी छः चार जीरो मीटर की दूरी पर हॉकी का जो गोल पोस्ट होता है उसकी लंबाई चार गज यानी तीन दसमलव छः छः मीटर होता है और ऊंचाई जो है सात फुट दो दसमलव एक चार मीटर होता है और बैक बोर्ड की ऊंचाई अठारह इंच होती है ये भी याद रखिएगा जो हॉकी के बॉल का भार है दोस्तों एक सौ छप्पन से एक सौ तिरसठ ग्राम होता है हॉकी स्टिक जो है बारह से अट्ठाइस ओंस का होता है और स्टिक की जो चौड़ाई होती है दो इंच का होता है हॉकी स्टिक का घुमा हुआ हिस्सा चार इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए हॉकी स्टिक परीक्षण के लिए दो इंच व्यास डायमीटर का रिंग प्रयोग किया चौदह वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है जिसे कहते हैं तो दोस्तों ग्यारह से चौदह ठीक है 5 से ग्यारह बारह तक आपका बाल्यावस्था होता है जिसमें से अर्ली चाइल्डहुड मिड चाइल्डहुड एंड लेटरल चाइल्डहुड होता है जिसे लेटरल चाइल्डहुड हुड नौ से ग्यारह बारह होता है तो उसको हम प्योर्टी एज भी कहते हैं और ग्यारह नौ से ग्यारह बारह के बाद जो होता है वो एडालोसेंस यानी किशोरावस्था होता है तो यहाँ पे किशोरावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक एडालो है एडालोसेंस आपका यहाँ राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आठ है स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है स्पोर्ट्स म्यूजियम इज लोकेटेड इन कहाँ पे है दोस्तों पटियाला में स्पोर्ट्स म्यूजियम जो है वो पटियाला में अवस्थित है और इसका नाम सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम रखा गया है क्वेश्चन नंबर नौ है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम वॉट स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद हुज हेल्प तो किसकी सहायता से दोस्तों भारत सरकार ने शुरू किया अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम तो यूनिस्टेफ के द्वारा यूनिस्टेफ जो है जो गरीब बच्चे अनाथ बच्चे हैं उन लोगों को न्यूट्रिशन प्रदान करने की योजना है क्वेश्चन नंबर दस है इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है दोस्तों इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता जो है वो संबंधित है हॉकी से क्वेश्चन नंबर ग्यारह है वे दो खेल जिनकी प्रत्येक टीम में सात खिलाड़ी होती हैं तो दोस्तों बास्केटबॉल में पांच खिलाड़ी कबड्डी में सात ये नहीं होगा बास्केट बेस में नौ खिलाड़ी वाटरपुलू में सात ये भी नहीं होगा तो वाटर पुल और कबड्डी दोनों में सात सात खिलाड़ी होते हैं ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा ठीक है वाटर पुल कबड्डी एंड हैंडबॉल इन तीनों में जो है आपके सात सात खिलाड़ी एक एक पारी में खेलते हैं एक एक टीम में क्वेश्चन नंबर बारह है पुरुषों के लिए वॉलीबॉल नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है द हाइट ऑफ नेट फ्रॉम द ग्राउंड इन मेन्स वॉलीबॉल तो दोस्तों पुरुषों के लिए जो वॉलीबॉल की नेट की ऊंचाई होती है दो दशमलव चार तीन मीटर होती है और जबकि महिलाओं के लिए दो दशमलव दो महिलाओं के लिए कितना होता है दो दशमलव दो चार मीटर के लिए दो दशमलव चार तीन मीटर उठ होता, होता है और बॉल का भार दो सौ अस्सी ग्राम होता है और बॉल की परिधि डायमीटर होता है पैंसठ से सड़सठ से सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर तेरह है निम्न में से किस संस्था के द्वारा व्यवसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है तो दोस्तों विच आर द फॉलोइंग इंस्टिट्यूट रिकॉगनाइज कोर्स इन वेकेशनल फिजिकल एजुकेशन तो दोस्तों वैसायिक शिक्षा को या शिक्षा को दोनों को मान्यता देता है पाठ्यक्रमों को एनसी टीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ठीक है जिसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था दोस्तों आप मैं कई वीडियो में आप सबको बता चुकी हूँ याद कीजिए तो एनसीटी की स्थापना सत्रह अगस्त उन्नीस सौ पंचानवे का हुआ था इसका कार्य भारत के शिक्षा प्रणालियों के जो भारत का शिक्षा प्रणाली है इसे मानव और उनके कार्य को नियंत्रित करना क्वेश्चन नंबर चौदह है एशियाई खेलों को नियंत्रित करने वाली संस्था क्या है जैसे ओलंपिक खेलों को वर्ल्ड में नियंत्रित करता है ओ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसी प्रकार एशियाई को लोग को नियंत्रित करता है ओ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को नियंत्रित करता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जिसकी स्थापना जो है ओ की स्थापना हुआ था उन्नीस बयासी में इसका हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कुबैत के शहर हवाली में है क्वेश्चन नंबर पंद्रह है कि क्रिकेट बैट के ब्लेड की चौड़ाई कितनी होती है तो क्रिकेट की जो बैट होता है उसकी जो लंबाई होती है अड़तीस इंच यानी कि छानवे दशमलव पांच सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई जो है चार दशमलव दो पांच इंच यानी कि दस दशमलव आठ सेंटीमीटर होता है तो पे राइट आंसर चार दशमलव पांच इंच नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सोलह है कि हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित है रिस्पायरेटी कैपेसिटी ऑफ द हार्ट इज रिलेटेड तो दोस्तों हृदय और फेफड़े दोनों एक साथ कार्य करेंगे तालमेल बैठा करके उसे हम सहन शिक सहन शक्ति वाले जिसमें एरोबिक क्रिया होती है उसको उसमें रखा जाता है तो सामान्य सहन शक्ति शारीरिक सहन शक्ति से यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सत्रह है निम्न में से ऐसी प्रणाली जो कि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है जो कि बच्चों को उसके अभिभावकों एवं दूसरे द्वारा सिखाई जाती है तो दोस्तों जैसे कि साइको एनालिटिक साइको एनालिटिक थ्यूरी जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायर ने दिया है उन्होंने मन को तीन भागों में बांटा है ईड इगो सुपर ईगो उसमें जो सुपर ईगो होता है वह नैतिक मन होता है ठीक है गलत सही का विचार करता है ठीक है और जो ईगो होता है इो होता है हमारी इच्छा और आव, आवश्यकता को पूरा करता है और जो ईगो होता है वो अहम को परिभाषित करता है इसको सिगमन फ्रायर ने दिया है क्वेश्चन नंबर अठारह है दस टीमों की डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिंग टूर्नामेंट भी कहा जाता है इसको बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है इसको जॉनी बर्गर ने खोजा था जो सर्बिया के शतरंज खिलाड़ी थे इसलिए इसको बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है और इसमें क्या होता है प्रत्येक टीम अन्य सभी टीमों के साथ खेलने का अवसर मिलता है ठीक है और सभी टीमों को अपना कौशल दिखाने का भरपूर अवसर इसमें मिलता है इसमें सिंगल लीग डबल लीग दो प्रकार का होता है और इसमें फिक्सड डालने की तीन विधियां होती हैं साइकिल टेबलोर एंड स्टेयर के स्मेथर्ड तो सिंगल लीग जो होता है प्रत्येक टीम टूर्नामेंट में मौजूद प्रत्येक टीम से एक बार खेलती है जिसका मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है एन एन माइनस वन अपान टू जो डबल लीग जो होता है प्रत्येक टीम को अन्य सभी टीमों से दो दो बार मैच खेलना पड़ता है डबल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है एन एन माइनस वन अपान टू नहीं होगा बस दोनों में अंतर है सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है एन एन माइनस वन अपान टू जबकि डबल लीग में एन एन माइनस वन तो यहाँ पे क्या पूछा है दस टीमों की डबल लीग प्रणाली में क्या हो जाएगा एन एन माइनस वन यानि की दस दस माइनस वन यानि की दस गुण नो बराबर नब्बे ठीक है यानी कि आपको नब्बे मैच खेले जाएंगे क्वेश्चन नंबर उन्नीस है लीग प्रतियोगिता में फिक्सचर की एक प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान मा कहा जाता है क्योंकि किसी भी टीम को बाई नहीं दी जाती है और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने की सम, समस्या नहीं होती है वो तो कौन सी विधि है तीन विधियां हैं साइकिल टेबल और स्टेयर के, केस मेथड इसमें से इस चीज को तो इसमें है स्टेयर इस केस मेथड क्या है केस में था, जिसमें ये सभी चीजें लागू होती हैं, इसमें कोई नहीं दिया जाता है ठीक है यानी कि मैचों की संख्या कम होती है स्टेयर में, में हर राउंड में एक टीम घटती जाती है सीरीज होती जाती है एक टीम पहले राउंड में अन्य सभी टीमों से खेलती है फिर वह टीम दूसरे राउंड में सभी एक भी मैच नहीं खेलती है क्वेश्चन नंबर बीस है हॉकी में पूछ पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो तो दोस्तों हॉकी में पूछ पास जब खिलाड़ी दस से पंद्रह मीटर दूरी पर हो यानी थोड़ी दूर पर यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ए क्वेश्चन नंबर इक्कीस है भारत में सबसे प्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में एम ए डिग्री आरंभ किया था तो वह संस्था है एलियन सी ग्वालियर नेशनल लखीम भाई नेशनल कॉलेज ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन जिसकी स्थापना ने उन्नीस सौ संतावन में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था तो जो लच्छी कॉलेज है उन्नीस सौ सन्तावन में बी पी ई बैचलर डिग्री कोर्स शुरू किया उन्नीस सौ तिरसठ में पी पी जी कोर्स यानी कि एम पी एड शुरू किया ठीक है और भारत में सबसे प्रथम संस्था मनोरंजन में एम ए डिग्री प्रारंभ किया यही एल एन सी पी ग्वालियर क्वेश्चन नंबर बाईस है भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किसने किया था दोस्तों मनोरंजन अभियान का जो वरम किया था जीडी सोंधी ने किया था और जीडी डी सोंधी एशियन गेम के पितामह भी कहे जाते हैं एशियन गेम को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं क्वेश्चन नंबर तेईस है, है। प्राचीन ग्रीस में तिरंदाजी शिक्षक को जाना जाता था तो दोस्तों प्राचीन ग्रीस में तिरंदाजी शिक्षक को किसके रूप में जाना जाता था तो प्राचीन ग्रीस जो था उसको हमने आपको बताया हुआ है कि चार भागों में डिवाइड किया गया है होमरकाल स्पोटाकाल पूर्व एथेन्स काल उत्तर एथेंस काल तो जिसमें आपके पूर्व एथेन्स काल में जो आपके धनुर्विद्या सिखाते थे उसको टोक्सोटोज बोला जाता था क्या बोला जाता था टोक्सोटोज और जो अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देता था उसको होलो मैचोज बोला जाता था जो भाला का प्रशिक्षण देता था उसको एकोना बोला जाता था जो कुश्ती मुक्केबाजी की मिश्रित खेल को पैरक्रेसन कहा जाता था बाल का प्रयोग करके शिक्षा देने वाले अध्यापक को स्पेरिस्टिक्स बोला जाता था संगीत संबंधी विद्यालय विद्यालय को डिडालस के लिए बोला जाता था यहाँ पे कीचड़ स्नान प्रचलित था क्वेश्चन नंबर चौबीस है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है विटामिन ए को रेटिनाल बोला जाता है इसका प्रमुख स्रोत है गाजर गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है विटामिन ए जो कैरोटिन पिगमेंट से निर्माण होता है इसको संक्रमण रोधी विटामिन अवृद्धिकारक विटामिन ग्रोथ विटामिन भी बोला जाता है इसके कमी से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस दतौधी और कलर ब्लाइंडनेस वर्णता हो जाता है क्वेश्चन नंबर 25 है एक लंबी दूरी की धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस रनर शुड कंज्यूम इन द हाई अमाउंट ऑफ तो दोस्तों उसको लंबी दूरी या सहनशीलता वाले एरोबिक वाले क्रियाओं में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो है तो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है आपका कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हो होगी जब तो पूछेगा स्ट्रेंथ वाले बॉडी बिल्डिंग वाले चीज़ों में अन क्रियाओं में किसकी ज्यादा आवश्यकता हो होती है प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फील्ड फूड कहा जाता है क्वेश्चन नंबर छब्बीस है फॉर्टलेग शरीर में विकसित करता है तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे फॉर्टलेग जो है वो सहनशीलता को डेवलप करता है एंडोरेंस को डेवलप करता है ठीक है को डेवलप करने की जो है चार विधियां होती हैं, कॉन्टीन्यूअस मेथड इंटरवल मेथड रिपीटेशन मेथड कंपटीशन मेथड ठीक है तो जो कॉन्टीन्यूअस मेथड होता है कॉन्टीन्यूअस मेथड इंटरन्यूअस इंटरवल मेथड रिपीटेशन मेथड कंपटीशन मेथड चार प्रकार के एंड्रोरेंस को डेवलप करने की विधियां होती हैं जिसमें कॉन्टिन्यूस मेथड में स्लो कॉन्टीन्यूस मेथड फॉर्स कॉन्टिन्यूस मेथड फॉर्टेक मेथड वेरिएबल पीस मेथड होता है ठीक है फॉर्टेक जो है या उन्नीस सौ सैंतीस में गोस्टा होमलर ने इसको खोजा था एंडोरेंस डेवलप करता है फॉर्टलेक शब्द स्वीडिश शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले ठीक है अब बिना पूर्व निर्धारित के किया जाता है <coughs> क्वेश्चन नंबर सत्ताईस है बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है तो दोस्तों आप सबको पता है सबसे ज्यादा वो परिवार से प्रभावित होता है क्योंकि परिवार में ही होता है बाल्यावस्था में क्योंकि तो बालक के लिए प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है और प्रथम पाठशाला जो है उसका परिवार होता है ठीक है इसलिए स्वाभाविक है कि बच्चा घर परिवार का वातावरण बालक को सबसे अधिक प्रभावित करता है क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस है व्यक्ति की लंबाई मापक यंत्र है दोस्तों लंबाई या ऊंचाई मापता है स्टेडियोमीटर डायनोमीटर जो है स्ट्रेंथ को मापता है वेइंग स्केल भार, भार को मापता है क्वेश्चन नंबर उनतीस है प्रथम राष्ट्रीय सारी शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है तो दोस्तों राष्ट्रीय पूछा है अगर प्रथम सारी शिक्षा महाविद्यालय पूछता है तो वाई एम सी ए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन उन्नीस मद्रास हो जाता बट प्रथम राष्ट्रीय सारे शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पूछा है तो राष्ट्रीय में आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश एल एन ग्वालियर आपका राइट आंसर होगा लक्ष्मी बाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो उन्नीस में ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया क्वेश्चन नंबर तीस है किस प्रकार का प्रशिक्षण मांसपेशी के आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है तो मांसपेशी मसल्स की जब बात आ जाए तो वहां पे स्ट्रेंथ वाली चीजें हमेशा रहेंगी दोस्तों अन एरो क्रिया जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग याद रखिएगा

जो है एनाबोलिक स्टेड दुनिया खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है इसको हम शॉर्ट में ए एस बोलते हैं यानी एनाबो एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेराइड इसमें एंड्रोजेनिक का अर्थ होता है पौरुष तत्व यानी कि मस्किल इंजिंग और ठीक है एनाबोलिक स्टेराइड का अर्थ होता है उतकों का निर्माण टिशु बिल्डिंग एंड इसमें क्या होता है कि पेशियों की ताकत और सहसलता में असीम वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत समझने लगता है महिलाएं इसका यूज करेंगी महिलाओं के महिलाएं यदि ये ना बोले स्टाइड का यूज करती हैं तो उनमें पौष तत्व के गुण आने लगते हैं जैसे कि आवाज़ भारी होना दाढ़ी मूछ होना आदि तो एनाबोलिक स्टाइड के अंतर्गत आपका नेड्रोलोन एस्टेनोजोल टेस्टोस्टेरोन एस्टोरॉन ट्रेनबेलोन मिथायल टेस्टो एस्टोरॉन एंड इस्टाइनून आदि आते हैं क्वेश्चन नंबर बत्तीस है शरीर गरमाना करता है वार्मिंग द बॉडी तो शरीर गर्माने को हम वार्मिंग अप करते हैं वार्मिंग अप करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है एंड जो हमारा मांसपेसी जो होती हैं उसमें फ्लैक्सीबिलिटी बढ़ जाता है ताफवान बढ़ता है जिससे जो है चोटें कम आती हैं तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शरीर व मांसपेशी तापमान को बढ़ाता है ठीक है शरीर व मांसपेशी तापमान को बढ़ाता है वार्मिंग अप से क्वेश्चन जरूर रहता है इसको कभी कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों और खेल समाप्त होने के बाद हम कूलिंग डाउन करते हैं अपने सामान्य स्थिति में आने के लिए क्वेश्चन नंबर तैतीस है कि खो खो के खेल में एक खंभे से दूसरे खंभे तक मानक दूरी होती है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में खो खो के जो ग्राउंड है सत्ताईस गुड़े सोलह मीटर का होती है जो फ्री जोन होता है वो वन पॉइंट फाइव जीरो मीटर चौड़ाई होती है और जो पोस्ट लाइन से पहले क्रॉस लाइन होता है वो दो दो पचपन मीटर होता है और आठ लेन होता है प्रत्येक लेन की जो चौड़ाई होती है टू पॉइंट थ्री जीरो मीटर होती है एंड जो है आपका एक पोल से दूसरे पोल की दूरी पहले तेईस दशमलव पाँच पाँच जीरो मीटर था लेकिन अब चौबीस मीटर हो गया है तो यहाँ पे पहले वाला ही दिया है ऑप्शन में तो तेईस दशमलव पाँच जीरो मीटर बट वर्तमान में चौबीस मीटर हो गया है ठीक है एंड क्रॉस लाइन की जो चौड़ाई होती है पैंतीस सेंटीमीटर हो गया है लाइनों की मोटाई तीन से पाँच मीटर होता है सेंटीमीटर होता है पोल की ऊंचाई एक सेंटीमीटर और लॉबी की लंबाई आपकी डेढ़ लॉबी की लंबाई जो है पूरा लाबी सहित ग्रो पूरे ग्राउंड की लंबाई हो जाता है तीस मीटर लाबी की चौड़ाई होती है डेढ़ मीटर यानी सत्ताईस आपकी लंबाई होती है ग्राउंड की तो डेढ़ डेढ़ मीटर दोनों तरफ लाबी की चौड़ाई हो जाती है तो डेढ़ डेढ़ तीन और सत्ताईस तीन हो, हो जाएगा तीस यानी कि पूरा ग्राउंड का लंबाई हो जाएगा तीस लाबी सहित पूछेगा तो लाबी की चौड़ाई कितना है डेढ़ मीटर ठीक है मैच की अवधि दो इनिंग्स में होती है नौ तीन नौ का पहला इनिंग छह मीटर का मध्यांतर फिर नौ तीन नौ का दूसरा इनिंग्स तो दोस्तों ये था आज के सेशन से से में तैतीस एम सी की क्वेश्चन आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा करेंट कमेंट में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक तो वीडियो पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जय